मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है, कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है, इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती, समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये योग्य भी है। वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो, और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है।
हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है, अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती, अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार की। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से
सत्य निकल नहीं पाते। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए। सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जनते हैं, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है।
पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए। सत्य तो यह है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है, उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है। दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है? स्वयं विचार कीजिएगा। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? और हो भी क्यों ना, अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है। पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से ये प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है, तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है। प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था, उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है। आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? स्वयं विचार कीजिए।
जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है तो मन अवश्य ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है, मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं, अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख? जबकि धर्म पे चलने वाले, अच्छा कार्य करने वाले सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है, परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती, समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं सुख, अथवा बुरा बर्ताव भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं, अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं। सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेरे रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करता है, फिर वो राष्ट्र कुरु राष्ट्र की भांति बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमित हो, वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंत्रता पर अंकुश रख सके, उतनी ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है वो। सत्ता का वास्तविक रूप ही है अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता? जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है और परिणाम कुछ इस प्रकार। हां, कुछ समय के लिए वो स्वयं को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है, किंतु वो वास्तविक सत्ता नहीं। यही कारण है कि भृगु और वशिष्ठ जैसे ऋषियों की आज भी पूजा की जाती है, रावण और हिरण्यकश्यपु की नहीं। इस पर तो आप विचार अवश्य करें। सत्य कहा ना? इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो ये दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं, क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट तक एक पगडंडी बन जाती है केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेती हैं। क्या ये सत्य नहीं? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। माता पिता का हृदय ये प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में ये कुसंस्कार आए कहां से। सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बनकर उगता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्ममय बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम
अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना क्या अनिवार्य नहीं? हम्म, प्रत्येक माता पिता इस पर विचार अवश्य कीजिएगा।